हेलो हेलो चेक हेलो 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 आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को? मैंने जो रेगुलर बस पूरी बनती है उससे ऊपर है कि मैंने उसाई काफी अलग है, स्टोरी लाइन वाइज भी काफी अच्छी है और लोकेशन वाइज और शूट वाइज एक्टिंग वाइज काफी बढ़िया, साउंड वगैरह जो भी सारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपने पूरी पिक्चर देखी, आपको कैसी लगी सारी भाई? लगा मैंने तो हम सब हमने तो काम किया है और ऐसे एक्टर मुझे तो हर फिल्म में मेरी अच्छी लगती है, लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत लगा है और मुझे खुद को देख के अच्छा लग रहा है कि हमारी भोजपुरी में ऐसी भी फिल्में बनती है। और आज रोशन सर को और प्रिमांशु सर को और इस टीम रंगदे बसंती की टीम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको दिल से थैंक यू कि उन लोगों ने हमें चयन किया और हम कोशिश किए हैं बेहतर करने के लिए। अभी तो आज हमारा समझिए कि प्रीमियर था, रिलीज तो 7 तारीख से हो रही है और इसके बाद कम्प्लीमेंट लोगों का मिलेगा कि अब यहाँ के लोगों से पूछिएगा तो ये बताएंगे ज़्यादा करके, क्योंकि जो भी हैं सब फिल्मी ही है और फिल्म को समझते हैं, कहानी समझते हैं, साउंड समझते हैं, गाने समझते हैं और राइटिंग से लेकर फोटोग्राफी तक सबके सब अनुभवी लोग हैं, ये ज़्यादा बताएंगे कि बाकी भोजपुरी से कितना हटके इस सिनेमा। हाँ एक्चुअली देखिए हम एक एज ए आर्टिस्ट हमारी कोशिश रहती है कि जिस किरदार में हमें अपना डायरेक्टर ले जाना चाहते हैं उसको बखूबी हम निभा सकें और जब सामने कलाकार बेहतर होता है तो हमें काम करने में आसान हो जाता है। और हमारी दोनों हीरोइन ये तो कुछ भी बोलती हैं तो लगता है कि हाँ यार इन पे कोई भी अगर अत्याचार होता है तो लगता है क्यों हो रहा है। जैसे मैं लास्ट में खुद ही रो रहा था कि जब इन्होंने बोला एक डायलॉग कि ये हम नहीं हमारा बच्चा कंधा दे रहा है तो यहाँ से लगा कलेजा निकल गया यार। और इनका साइलेंट परफॉर्म और इधर ये तो दोनों तरफ एकदम तहलका मचा के रखी हुई है। तो जब सामने आर्टिस्ट और सारे हमारे आर्टिस्ट जो थे सब ने बहुत कोऑपरेट किया और सब ने अपनी परफॉर्म को बेहतर किया। इनके इसकी डायना जी का पहला फिल्म है और इनका भी भोजपुरी में दोनों पहली बार आई और इतनी बड़ी मूवी भोजपुरी के सबसे बड़ी मूवी देखा जाए तो आज की डेट में कैनवास से लेकर लोकेशन से लेकर टाइमिंग से लेकर वीडियोग्राफी से लेकर हर वो चीज़ें जो है बाकायदे साउंड हम लोग सांस भी लिए हैं तो भी दिखा है उसमें। और इतने बड़े कैनवास पे रिलीज करना आज 254-55 सिनेमा जबकि हमारे 20 सिनेमा में सिमट जाती थी सिनेमा, लेकिन आज 254-55 मल्टीप्लेक्स से लेकर हर जगह ये जो हमारे रोशन सर का योगदान है या उनका पूरी टीम का योगदान जो है उसके लिए दिल से थैंक यू सब। डायना सवाल ये है कि पहली बार आप भोजपुरी में काम कर रही हैं, पहली बार आप किसानी का यादव के साथ काम कर रही हैं, कैसा अनुभव था, कैसे पाया आपने बतौर आर्टिस्ट और बतौर ह्यूमन बीइंग भी? एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज अमेजिंग, सब तो जानते हैं कि वो कितने पॉजिटिव है एंड ही इज ऑलवेज लाफिंग एंड वेरी हम्बल। हालांकि बहुत बड़े स्टार है लेकिन ऐसा फील ही होता है कि यू नो यू आर वर्किंग विद समवन एज बिग एज हिम, तो बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी लकी, मेरे फर्स्ट मूवी में मुझे केसरी लाल यादव मिले, बट यार इट वाज अमेजिंग। थैंक यू। मैं हर इंटरव्यू में अभी आप लोगों ने घेर लिया है, फिर भी कॉम्प्लीमेंट्स तो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं सबके लिए ऑल ओवर द मूवी, मतलब जब मैंने भी देखी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड मेरा एक्सपीरियंस तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आई ऑलवेज फेल्ट एट होम, हमेशा ऐसे ही लगा मैं घर पे ही हूँ, और क्योंकि हमारी भाषा सेम है और मेरी पहली मूवी है थोड़ी डिफिकल्टी तो आई थी क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ भोजपुरी लैंग्वेज के, तो डिफ़िकल्टी आई थी बट आई लव दिस चैलेंज क्योंकि चैलेंजेस होते हैं तो ही इंसान अच्छा करता है, ग्रो करता है। एंड फॉर्चुनेटली मुझे इतनी अच्छी सब्जेक्ट मिली, इतना अच्छा टीम और स्पेशली शुरुआत देखिए किससे हो रहा है, तो अगर राइट साइड में खेसारी जी हो तो तीन दिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते हैं ना, ये हमने आज गलत साबित कर दिया कि तीन दिगाड़ा काम नहीं बिगाड़ा। एक्शन मूवी डायना को खा लिया था, कितनी बजे एक्शन मूवी?
नहीं डायना बहुत हल्की है, वो कपड़े ऐसे पहन लेती हैं। डायना 65 केजी है और एक नॉर्मल आदमी के लिए 60, एक हीरोइन का तो 65 ही होना चाहिए। वाओ थैंक यू, ज्यादा हो गया। सबसे मुश्किल पार्ट पूरी फिल्म के शूट के दौरान काफी एक्शन दिखा, कई आपके लुक्स जो है वो अलग अलग दिखे, सबसे मुश्किल पार्ट क्या था इस शूट के? इस सिनेमा में हर चीज मुश्किल था। रीजन ये था कि लोकेशन से लेकर ठंडी से लेकर गर्मी से लेकर और कॉस्ट्यूम, और मुझे 5-5 किरदार निभाना पड़ता था। तो वहाँ पे मुझे डिफरेंट करना है कि मुझे बेटा भी बनना है, बाप भी बनना है, दादा भी बनना है, किसी का पति भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, किसी का पिता भी हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो मुझे माइनस करनी, मेरा हर सीन डिफिकल्ट था मेरे लिए। और आसान कुछ होता नहीं है बाबा, आपको भी पता है। और जब आसान हो तो फिर वो कोई काम नहीं, आसान चीज़ें मुझे भी नहीं करना है। और सबने बहुत कोऑपरेट किया, मुझे तो शुरू में अब इनसे तो मैं घुल मिल गया था क्योंकि हमारी भाषा से है। इनको देखने के बाद डर लगता था कि यार इतनी सुंदर लड़की को छूऊंगा इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। उल्टा बोलो, इनसे ज़्यादा घुल मिल गए। तो मेरा डायना का मस्ती चलते रहता था। बराबर है। अब यहाँ पे है कि हमारी गोपालगंज से, हमारे बिहार से है, तो इनसे कोई ज़्यादा डर नहीं होता था। लेकिन ये हिंदी से आई हैं, घायल टू में इन्होंने काम किया है, बहुत सारे हिंदी में इन्होंने काम किया है। तो एक होता है ना आवरा एक आदमी का, और उसमें भी भगवान ने फुर्सते में बनाया इनको, तो खूबसूरती भी है, तो खूबसूरती से कौन नहीं डरता है। मैं भी डरा, बट ये यहाँ की बहुत अच्छी इंसान है, ये दिल की राजा है। मैंने कुछ भी नहीं देखा था, सारी लाल को जानती है। आप एकदम अच्छे से जानती हो। पहले मैं नहीं जानती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम ना, तो इट वाज समथिंग रियली वेरी प्रोफेशनल, वेरी हम्बल। मेरा इतना टेक केयर किया है इन्होंने कि पूछो मत, सीन से लेके गानों से लेके। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था लाइन्स वगैरह याद करना, पर इन्होंने मुझे बिठा बिठा के लाइन्स याद करवाया है ना। आई ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। अरे बाबा ये मुझे जान गई, पूरी दुनिया जान गई, अब इसको जानने की जरूरत क्या है? खेसारी पूरी दुनिया है, पूरी भोजपुरी है, तो फिर क्या मतलब है? कैसा सवाल करते हैं अब आप बताइए, खेसारी जी के अलावा कोई बोलता है? अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप सबने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में देखी है, इनके सिमेरा भी देखा होगा, आप लोगों को कैसा लगा ये सिनेमा? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मुझे ऐसा लगा कि मैंने भोजपुरी में, मैं पहले डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि भोजपुरी में देखने की आदत ही अलग हो गई है कि अचानक से कुछ गाना आएगा, तड़का भड़का आएगा, कुछ कॉमेडी आएगा, कुछ उटपटांग बातें आएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना कम्प्लीटली मुझे लगा कि मैं अपने माँ के साथ भी बैठकर इस सिनेमा को बाकायदे इंजॉय कर सकता हूँ, अपने बहन के साथ कर सकता हूँ, अपने बेटी के साथ, और मेरी बेटी बैठी भी थी, इनके इसकी मेरी बेटी भी थी। कौन? डायना ने, मैंने। तैयारी बाबा हर चीज़ की होती है, विदाउट तैयारी में कुछ करता नहीं। मुझे बाप के किरदार के लिए मुझे सारी चीज़ें डल करना पड़ता था, बाप के किरदार के लिए जब रोल होता था तो मैं 2 दिन सोता नहीं था ताकि मेरे आंखें कम से कम धसी हुई नज़र आएँ, काले नज़र आएँ। और जब बेटा का किरदार होता था तो खूब दम भर सो के 2 घंटे जिम करके आता था। तो डिफिकल्ट तो है, और उस रोल में आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, और ज़्यादा करके हम ही दोनों को करना पड़ा क्योंकि इनका भी सेम ही था, इनका था कि ये बहू है, ये बेटे के साथ थी बेचारी, लेकिन लास्ट में इसने एक डायलॉग बोलकर पूरी दुनिया जीत ली। ये मैं नहीं, ये हमारा बच्चा कंधा दे रहा है। वहाँ पे मेरी कलेजा फट गया और उसके बाद मैं रोया। अरे तो गद्दर 2-20 साल बाद आई ना, तो 20 साल बाद तो ऋषभ रेडी हो ही जाएगा, 20 साल बाद तो ऋषभ रेडी हो ही जाएगा। बट उसकी अपनी च्वाइस है कि वो बनना क्या चाहता है, मेरा कोई दबाव अपने बच्चे पे नहीं होता, ना बेटी पे ना बेटा पे, उनकी अपनी च्वाइस है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। जैसे मेरे ऊपर मेरे पापा का कोई दबाव नहीं रहा, मैंने अपने जीवन की रास्ता खुद ही चुना,
उसी तरह मैं अपने बच्चों पे भी कोई दबाव नहीं देता, उनकी अपनी लाइफ है, उनको जैसे जीना होगा उस हिसाब से जिए। वो बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, रेजिमेंट बनाए, अगर कोई बनाएगा भी तो वो रोशन सर ही बनाएंगे सर, क्यों, बहुत बिग बजट की फिल्म होगी, कम से कम वो 10 करोड़ की फिल्में होगी, लेकिन अगर लोगों ने इस सिनेमा को बहुत भर भर के प्यार दे दिया, जिस हिसाब से हम लोगों ने कोशिश की है एक बेहतर सिनेमा के लिए, अगर लोगों ने भी इसको बेहतर कर दिया तो अगला टारगेट जो होगा वो अही राजमेंट ही होगा, तो कोशिश रहेगी। इस जिंदगी में एक बात बताएं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, पवन सिंह, पवन सिंह हारे नहीं है, पवन सिंह जीत जीत है, कोई जरूरी थोड़ी है कि सबकी पहली फिल्म सिल्वर जुबली हो जाती है, कोई जरूरी नहीं है, आदमी कहीं ना कहीं सीखता है, तो एक रास्ता उन्होंने अपने जीवन से हट के दूसरे रास्ते में गए, तो वहाँ पे उस रास्ते के बारे में उनको पता नहीं, उसके बावजूद भी लोगों ने, काराकाट के जनता ने पवन भैया को इतना प्यार दिया, ये कम नहीं है, कोई निर्दलीय आदमी 275,000 वोट लाए, ये खेला नहीं है, और लोगों के बीच में जो आदमी एसी में रहता है वो पूरे दिन लोग धूप में मर रहा है, लोगों से मिल रहा है, ये अनुभव उनको कहीं ना कहीं और बड़ा बनाएगा, और रास्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऐसा थोड़ी है कि इस बार के चुनाव के बाद एकदम दी एंड हो गया, इसके बाद चुनावे नहीं होगा, अगली बार मेरा भाई आएगा तो शेर की तरह दहाड़ के जीतेगा। दोनों भाइयों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना, और वो जल्दी से मंत्री बने और बिहार को विशेष दर्जा का, जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं, और बिहार में थोड़ा सा कुछ रोजगार दिलाएं, ताकि हम जो भटक रहे हैं इधर उधर वो रोजगार, और सिनेमा हॉल थिएटर को बढ़वाइए, आप लोग छोड़ के चले गए हमें फंसा गए कम से कम थिएटर बढ़ाइए, सिनेमा हॉल बढ़ाइए, ताकि लोगों का रोजगार बढ़े, तो मैं दोनों भाइयों से यही अपील करूँगा कि आप लोग प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। अब आपको प्रतिक्रिया पूछना है बाकी लोगों से, हमसे नहीं। एक्चुअली इतनी आवाज़ है ना कि यहाँ बताने से नहीं होगा, इसको चुपचाप जाकर के सोशल मीडिया पे लिखने से होगा। ये सिनेमा ऐसा है जो मजबूर कर देता है कि इसके बारे में, इसकी अच्छाई के बारे में कुछ लिखूँ। खामियाँ तो हर जगह है दुनिया में, हर फिल्मों में कोई ना कोई खामी होती है, लेकिन भोजपुरी के बनिस्बत इसमें खूबियाँ इतनी है कि इसकी चर्चा न करे तो शायद सिनेमा इंडस्ट्री में रहना व्यर्थ है किसी भी कलाकार के लिए। मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, टीजर में मेरी आवाज़ गई है शायद, इसलिए इन्होंने थैंक्स डाला है। हाँ। राज भाई हैं, इस फिल्म का हिस्सा हैं, इन्होंने काम किया है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बताऊं कि आज हमने वो किया है जो शायद अभी तक नहीं किए थे, कि इंडस्ट्री में एक संपूर्ण सुसज्जित सिनेमा जिसको कह सकते हैं वो हमने देखा है, उस इंडस्ट्री की फिल्म जिस इंडस्ट्री से ईश्वर ने हमारा ताल्लुकात रखा है, रंग दे बसंती। तो आप लोग भी रंग दे बसंती देखिए, यकीनन बहुत ही खूबसूरत एक संपूर्ण सिनेमा बोल सकते हैं, जिस परिवेश में हम लोग काम कर रहे हैं उस परिवेश के लिए बिल्कुल मजबूत और एक्चुअल में सिनेमा है सर, बिल्कुल एक्चुअल में सिनेमा है। मैं यही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, यकीनन देखिए रंग दे बसंती। अब हमारे राज भैया कुछ बोलेंगे। नहीं नहीं अवधेश भाई, आप रहिए यहाँ पर। आपने ये कहा कि आप इस सिनेमा का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम एक सिनेमा परिवार के हिस्से हैं, फिर वो हिंदी हो भोजपुरी हो, हर भाषा की फिल्में की हैं, मैंने भी की हैं, अवधेश ने भी की है, और मतलब हम जो टीवी करते हैं, हिंदी फिल्में करते हैं ना, जब तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ ये बोलते हुए शर्म आती थी, लेकिन ये फिल्म मैं फ़ख्र से बोल सकता हूँ। और जो भी इस सिनेमा से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, सारे लोगों को बोलना चाहिए कि जाकर रंग दे बसंती देखें। भोजपुरी की एक घमंड शब्द जो होता है ना, वो एक्चुअली उसके लिए बोलते हैं हम, जो थोड़ा सा नेगेटिव में चला जाता है घमंड, लेकिन ये फिल्म करके ना एक्चुअली एक प्राउड फील हो रहा है। अगर हम बात करें तो एक जरूर चर्चा छेड़ेंगे, इस फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा है, कोरियोग्राफी बहुत अच्छा है, एक्शन बहुत अच्छा है, राइटिंग बहुत सही है, हर चीज़ सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर तारीफ इस फिल्म में अगर किसी की करूँ तो वो है इसके प्रोड्यूसर, जिन्होंने शायद
किसी भी डिपार्टमेंट में कोई कमी नहीं करने से कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी। और स्पेशली मैंने भोजपुरी में हम एक अभिनेता हैं तो साउंड को बहुत पकड़ के चलते हैं। इस सिनेमा में साउंड का जो भी काम किया गया है, जो भी इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे जो पैसे खर्चे हुए हैं, एक एक पाई वसूल लिया गया है सिनेमा के माध्यम से। बाबूजी जी आपको बताऊं, इसमें मैं साउंड के बारे में आपको बताऊं, इसमें आलोक डे साहब, हाँ मैंने नाम सुना, आलोक डे साहब साउंड इंजीनियर हैं इस फिल्म के, जिनको 3-3 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। और ये ऋतिक की फिल्में भी करते हैं, राशि प्रोडक्शन सलमान की फिल्में भी करते हैं। और ये मेरी खुश नसीबी है कि मेरे सौजन्य से आलोक डे साहब इस फिल्म से जुड़े। ये तो आपने आपका बहुत बड़ा सौजन्य है। नहीं मतलब क्योंकि चीज जो है ना बहुत अच्छी चीज़ बन रही थी, तो मैंने कहा जो हमसे हो सके अच्छी चीज़ों में। अभी कैमरे से बाहर पूछूंगा कि खर्चे कितने। मैं अच्छी चीज़, मैं हमेशा अवधेश भाई को भी बोलता हूँ कि अच्छी सिनेमा बनाओ तो मुझे भी लो, लेकिन ये मुझे थोड़ा कमर्शियल एक्टर मानते हैं। लेकिन खैर ठीक है, अच्छी चीज़ों में डेफिनेटली हम रहना चाहेंगे। और ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है, तो दर्शकों से निवेदन करते हैं कि देखें और इस फिल्म के जुड़े तमाम लोगों को बहुत बहुत, और थिएटर में जाकर देखें, थिएटर में जाकर देखें, थिएटर में, थिएटर में, ये फिल्म थिएटर वाली फिल्म है। हाँ ये फिल्म थिएटर वाली फिल्म है, तो थिएटर में जाकर देखें। नमस्कार आप सभी लोगों को, पराग पाटिल नमस्कार, सिनेमा का नमस्कार, प्रिंस का भी नमस्कार। और आज हम लोग यहाँ पे रंग दे बसंती देखने आए, अद्भुत फिल्म है भोजपुरी की है। मैं तो ये कहूँगा कि मैंने तो फिल्म देखने से पहले ही अपील की थी पूरी इंडस्ट्री से, पूरे जनता जनार्दन से। सचमुच काबिले तारीफ है ये कदम रोशन जी का, जिन्होंने इतना साहस देके इतने भव्य रिलीज़ को लाया, और बहुत सालों के बाद इतनी भव्य रिलीज़ हो रही है। और सिर्फ भव्य रिलीज़ ही नहीं, फिल्म में भी उतनी ताकत है। जी हाँ, आज हम लोग ये फिल्म देख के ये दावा कर सकते हैं कि बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा सिनेमा बना है रंग दे बसंती, जिसके निर्देशक है प्रेमांशु सिंह जी और जिसके निर्माता है रोशन जी। तो आप लोग बिल्कुल देखना मत भूलिए, जाइए सिनेमा घरों में और रंग दे बसंती को बहुत सारा प्यार दीजिए। मेरा दावा है कि आप लोगों को अच्छा सिनेमा मिलेगा रंग दे बसंती। रंग दे बसंती देखिए, आप लोग इन्जॉय कीजिए, ये बहुत ऊपर लेवल की फिल्म है और कमाल का परफॉर्मेंस है इसमें। खेसारी जी ने अद्भुत काम किया है, तो जरूर देखिए इस फिल्म को, बहुत बेहतरीन सिनेमा रंग दे बसंती। रंग दे बसंती बिल्कुल, ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है, जैसा कि मैंने शुरू से इस फिल्म में काम करते हुए मुझे लगा। और चूंकि इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ मैं, म्यूज़िक करते वक्त ही मैंने सारी चीज़ों का ध्यान दिया था, तो ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, सबसे बोलना चाहता हूँ कि आप सब प्लीज़ एक बार आइए थिएटर और ज़रूर देखिए इस फिल्म को, वाकई आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक देशभक्ति का जुनून है इसमें, आपको गाने भी मिलेंगे, मसाले भी हैं, और एक देश के प्रति कैसे सम्मान होना चाहिए, एक फौजियों के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ज़रूर एक बार आना चाहिए रंग दे बसंती देखने के लिए, आपको सब अच्छा लगेगा। कैमरे जो मुझे देख रहे हैं और हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सबको मैं बड़े प्रणाम करना चाहती हूँ। रंग दे बसंती फिल्म आप सभी जरूर देखना है। इस फिल्म में मेरे 4 सॉन्ग्स भी हैं, बहुत कमाल के गाने हैं, फिल्म का संगीत भी बहुत अच्छा है। और इस फिल्म में और भी जो बॉलीवुड के भी जो सिंगर्स हैं, उन लोगों ने भी गाया है और उसमें मेरा भी गाना है। तो मैं समझती हूँ कि अपने आप को बहुत एक खुशकिस्मत समझती हूँ कि ओम सर ने मुझे उसमें गाने का मौका दिया। सर यस यस ऑफ कोर्स, ये इस फिल्म के राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, जिन्होंने इस फिल्म के अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। दो शब्द मैं चाहता हूँ कि बहुत ठीक भर निहारे दा मेरा गाना है एंड होली का गाना मेरा है। मेरा नाम राकेश निराला है और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। ये फिल्म पत्थर की लकीर साबित होगी, और जब तक ये भोजपुरी इंडस्ट्री जब तक है इस फिल्म को याद की जाएगी। ये फिल्म इसका डायरेक्शन जितना अच्छा है, म्यूज़िक इन्होंने कितना अच्छा सजाया है,
प्रीति जी ने गाया है और हिंदी के कमाल सिंगर जितने भी हैं सब लोगों से इन्होंने गवाया है और जितने अच्छे शब्द हैं उतने अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है, उतना अच्छा म्यूजिक है और इसका एक एक पार्ट में सब लोगों ने अपना 100% दिया है। और मैं दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग हौसला बढ़ाइए ताकि जैसे साउथ में फिल्में बन रही हैं, जैसे और भाषाओं में फिल्म बन रही है, हमारी भोजपुरी में भी जैसे ये देशभक्ति फिल्म बनी है, बहुत बड़े बजट की फिल्म है, बहुत बड़ा इसका कैनवास है, इस तरह की मूवी हमेशा बनती रहे और आप लोग साथ देंगे, आप मीडिया वाले भी साथ देंगे और हमारे दर्शक जरूर। एक फिल्म तो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बड़े फिल्म का हिस्सा हूँ मैं, इसके लिए रोशन सर को, प्रवंशु सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मुझे जहाँ तक रोल की बात है तो मुझे बताया गया था कि आप मुँह बोला बाप का रोल है, तो मैं सोचा मुँह बोला बाप कैसा होता है मैं समझ ही नहीं पाया था, लेकिन जब करेक्टर करने चला तो मुझे लगा कि नहीं अच्छा करेक्टर, बढ़िया करेक्टर उन्होंने, रोशन सर ने और प्रिमांशु सर ने मुझे करने का मौका दिया, एक बड़ी फिल्म का हिस्सा। अब मैं तो चाहूँगा भोजपुरी के लिए कि ऐसी ऐसी फिल्में और हम लोग के पिक्चर PVR में आती रहें, इसके लिए भोजपुरी सिनेमा के लिए, भोजपुरी दर्शक के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये बहुत ब्यूटीफुल माहौल है, बड़ा अच्छा सा है, बहुत अच्छे लोग हैं, रोशन सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्यार दिया शूटिंग के, बहुत काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया और हर चीज़ में VVIP ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारा किरदार एक मेजर आर्मी ऑफिसर का, उसमें हमने अच्छा प्ले किया हुआ है और काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, अच्छा ही है। नहीं, ऐसा नहीं लगा कि हम लोग रीजनल पिक्चर कर रहे हैं, ये ऐसा महसूस होने नहीं दिया पूरे प्रोडक्शन हाउस में। क्या सर, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा, लगा कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ मैं, ऐसा महसूस हो रहा था। सबसे अच्छा भोजपुरी का ट्रीटमेंट दिया मुझे अभी तक, वही बात बता ट्रीटमेंट, वही बात बता रहा हूँ कि एक नहीं लगा कि हम लोग एक रीजनल फिल्म कर रहे हैं, ऐसा लगा कि जैसे कि हम लोग एक हिंदी पिक्चर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा ही नहीं है, बहुत बड़ा स्तर हुआ है और भोजपुरी सिनेमा PVR तक है, आगे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है झारखंड और बिहार में सर पूरे मल्टीप्लेक्स में पिक्चर लग रही है, पूरे मल्टीप्लेक्स में, तो ये भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तक मुझे लगता है कि रीजनल सिनेमा में ऐसा नहीं होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि झारखंड और बिहार में पूरे मल्टीप्लेक्स में पिक्चर, इसलिए हम लोग के भोजपुरी एक्टर के लिए, भोजपुरी दर्शक के लिए और भोजपुरी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है और भगवान करे ऐसी ही पिक्चरें बने और भोजपुरी ऊपर आए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, चूँकि वहीं के हैं, बिहार के रहने वाले, तो मैं तो चाहूँगा कि भोजपुरी काफ़ी ऊपर आए, हम लोग का मातृभाषा है इसके लेकर के, और आप लोग जैसा प्यार मिलता रहे बंधु का, दोस्त हम लोग अब करते रहें, बहुत बड़ी बात है। मेरी फिल्म है, मैंने डायरेक्ट किया है तो रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो खुशी तो होगी डेफिनेटली। मेरे लिए बहुत ये बड़ा पल है किसी भी डायरेक्टर के लिए, खास करके भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर के लिए, जिसकी फिल्म का प्रीमियर हो आईनॉक्स में, PVR में, इन्फिनिटी अंधेरी वेस्ट में, और इस तरह का नज़ारा हो, सारी इंडस्ट्री उम्र पड़े, लोग खड़े होकर फिल्म देख रहे थे, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा पल है, बहुत सुखद पल है। शायद ये दिन जो है मेरी, मैं हमेशा याद रखूँगा इस दिन को, आज को। नहीं तो स्टोरी मेरे को नहीं सुनाई गई क्योंकि कहानी मेरी ही थी बेसिकली, स्टोरी स्क्रीन प्ले मेरी है और मनोज कुशवाहा साथ में डायलॉग राइटर है, स्क्रीन प्ले में भी उनकी इनपुट्स है, तो जब मैंने स्टोरी सोची थी तो इसीलिए ये फिल्म बनने में इतनी टाइम लग गई, क्योंकि कैनवास इतना बड़ा था, मैं 4 साल से ये स्टोरी रेडी करके रखा था,
लेकिन बात नहीं बन पा रही थी बजट को लेकर, स्टार्स को लेकर। फाइनली एक दिन हम लोग लंदन में शूट कर रहे थे, अमर खेसारी थे, खेसारी को जैसे मैंने लाइन सुनाया तो तब उसे अच्छा लगी कि बोले अरे ये सब्जेक्ट तो करना है। मैं बोला लेकिन प्रोड्यूसर कौन है, इसकी बजट को काफ़ी एक्सपेंसिव जाएगा। तो रोशन जी को मैं जानता था लेकिन मेरी वो ट्यूनिंग नहीं थी कि मैं उनको पिच करूँ ये कहानी। तो फिर खेसारी बोला अरे आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास प्रोड्यूसर है रोशन सिंह, ये इसके साथ जस्टिस करेंगे। और फिर वही लंदन से उनको ये सिनॉप्सिस भेजा मैंने, दो लाइन फ़ोन पे सुनाया, बोले जल्दी से आइए फिल्म को साइन करते हैं, शुरू करते हैं। बाकी में काफ़ी चैलेंज था जिसके कारण ये फिल्म मेकिंग में इतना टाइम लगा। एक लुक पे पहले काम करना था, कश्मीर वाला पोर्शन पहले शूट करना था, हमारे पास कश्मीर मतलब आइस चाहिए तो हमने मार्च में इसीलिए कश्मीर का वाला पोर्शन शूट किया, उसके बाद हमने ब्रेक दिया, फिर हमने जून में शूट किया तो पहले एक खेसारी का पोर्शन। तो डेफिनेटली और चैलेंज रहता है, बड़ी फिल्म आप करेंगे तो चैलेंज होंगे ही, चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी जाके कोई अच्छा चीज़ निकलता है। चैलेंज था, अच्छा लगा, सिर्फ इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सबका सपोर्ट था, आर्टिस्ट का सपोर्ट था, प्रोड्यूसर का सपोर्ट था, बजट का टेंशन नहीं था, नंबर ऑफ शूटिंग डेज का कोई टेंशन नहीं था। हमने जितने दिन शूटिंग किए उतने में 3 भोजपुरी फिल्म शूटिंग हो जाती है, फिल्म की जो बजट है उसमें कई भोजपुरी फिल्में बन जाएंगी, हमारे फिल्म के एक गाने का जो बजट है उसमें शायद कई भोजपुरी फिल्म बन जाए। तो इसीलिए चैलेंजेस था लेकिन उस चैलेंजेस को मैं इतना स्मूथली निकल गया ड्यू टू रोशन सिंह जी और जो हमारे आर्टिस्ट थे उन लोगों ने परफॉर्मेंस वैसा दिया बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन। देखिए अभी तो खेसारी लाल, ये हाइपोथेटिकल सवाल का अभी कोई महत्व नहीं है क्योंकि फिल्म बन चुकी है, खेसारी लाल ही परफॉर्म किए हैं और उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया है। तो इसके लिए इस सवाल पे फिर दोबारा सवाल करना, मैं इसको अभी फिलहाल तो अवॉइड करना चाहूँगा। हाँ मैंने मेरी बातचीत हुई थी चीज़ें किसी भी, जैसे मैंने बताया ना कि फिल्म का बजट, फिल्म का पवन सिंह को भी बहुत पसंद थी सब्जेक्ट, एक्चुअली ही वाज मैड अबाउट दिस सब्जेक्ट फॉर 1 मंथ। हमेशा फ़ोन करना, बात करना कैसे होगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाए ड्यू टू एक प्रॉपर प्रोड्यूसर के कारण। तो जब प्रोड्यूसर नहीं मिले फिर इनके साथ जब रोशन जी के साथ बातचीत हुई तो फाइनली ये सब्जेक्ट एग्जीक्यूट हुआ और आज हम लोग इसका प्रीमियर देख रहे हैं। पार्ट टू के लिए तो मैंने इसीलिए सीन का वाइंड अप देखेंगे तो उसमें मैंने सीन सुना है कि मैं फौज में जाके बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि वैसा कोई एक किरदार पे फिर कहानी सोचूं जो आदमी फौज में जाके बड़ा हो जाता है। तो ये सारे डिपेंड करता है कि ऑडियंस किस तरह से रिएक्शन देते हैं। जो फिल्म हमने रंग दे बसंती बनाया उसको ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलेगा जो अभी मिल रहा है, थिएटर में भी सेम मिलेगा, तो डेफिनेटली रोशन सिंह जी इसको पार्ट टू बनाने से नहीं पीछे हटेंगे। सही बात है और ये एक फॉर्चुनेट बात है कि मैंने खेसारी के साथ, खेसारी भी मेरे साथ डेब्यू किया है, उसका बेटा भी इस फिल्म से मेरे से ही डेब्यू कर रहा है, तो आगे देखेंगे कि भाई अगर वो ही सिचुएशन रहा और हो सके कि हम लोग जल्दी भी बना सकते हैं इस फिल्म का, मैं बताया जैसे रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो फिलहाल खेसारी ही वो खेसारी का बेटे का कैरेक्टर प्ले करेगा। थैंक यू शंकर शर्मा, हिंदी गीतकार। बहुत दिनों बाद मैंने भोजपुरी फिल्म देखी, खेसारी ने बहुत अच्छा काम किया, प्रियांशु जी ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की और बड़े अरसे बाद एक ऐसी फार्मूला फिल्म जिसमें इमोशन भी है, एक्शन भी है, देशभक्ति भी है और हम जिस संस्कार को थोड़ा सा भूलते जा रहे थे उसको जगाने की कोशिश की है। रोशन जी ने, शर्मिला जो इसके, रोशन और शर्मिला हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, बहुत अच्छा प्रयास है और मेरी दुआ है ईश्वर से कि फिल्म हिट हो, 100% हिट हो। थैंक यू। शांति से पूछो आनंद भाई।
ओके रोल है सबका ओके रोशन सर एक बढ़िया फिल्म रंगे बसंती के तौर पर आप फिल्म इंडस्ट्री को दे रहे हैं और शर्मिला मैडम जी बढ़िया प्रीमियर आपने रखा सारी सीट पूरी और सबसे खास बात पूरी फिल्म देखने के दौरान कोई मोबाइल में नहीं खेल रहा था कोई लूडो नहीं खेल रहा था कोई किसी को फोन नहीं कर रहा था वीडियो नहीं बना रहा था ये बहुत अच्छी चीज़ है कैसे देखते हैं आप एक एक बदलाव की तरफ भी इंडस्ट्री जाती हुई नजर आ रही है आपको भी यही महसूस हो रहा है अभी मैं नहीं बोल सकता बदलाव की तरफ जा रही है मैं सिर्फ अपनी कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ों को लोगों तक पहुँचा पाऊँ कि हम ये हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ये है जो आप सोचते हो या आपकी सोच जहाँ तक जाती है वो हमारी इंडस्ट्री नहीं है हम कुछ और करते हैं जो आप गलत वे में जाते हैं तो ये हम कोशिश करते हैं एक शानदार प्रीमियर आपने रखा मुंबई के उस थिएटर में जहाँ बेसिकली बॉलीवुड की फिल्में लगती हैं पीवीआर आइकन क्योंकि पीवीआर के सारे थिएटर बहुत महंगे हैं और बड़ी महंगी इसकी सीट्स होती है वहाँ पर आपने थिएटर में इसका प्रीमियर रखा और सारे लोगों को आपने इनवाइट किया पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आई फिल्म को प्यार आशीर्वाद दे रही है कितने थिएटर्स में रिलीज का प्लान है क्या इसी तरह के थिएटर्स में फिल्म रिलीज हो रही है 7 तारीख को और टोटल कितने नंबर्स आपके पास है फिलहाल आनंद सी आपने देखा होगा जब भी मैं फिल्म हम लोग रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं सो मैं चाहता हूं कि मेरी भोजपुरी आगे जाए लोग हमें उस वे में रेस्पेक्ट से देखें सो इससे पहले भी जो मैंने फिल्में की है वो भी मेरी मल्टीप्लेक्सेज में रिलीज होती रही और हमने उसके भी प्रीमियर किए हैं ताकि लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाए इस बार हमने उससे और आगे बढ़ के मेहनत की है हर गली में हर जगह पर बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है और हम अच्छा काम करते हैं हाँ डेफिनेटली हमारे थिएटर्स कुछ 200 अबव हमने प्लान किया हुआ है थिएटर्स अराउंड 250 के आसपास जिसमें मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन्स वो भी मैं बात करूंगा जिसमें नॉर्मली भोजपुरी फिल्में लगती थी जहां हिंदी लगती थी और वहां भोजपुरी लोग इंटरटेन नहीं करते थे फिल्मों को हमने वहां भी कवर किया है ताकि हिंदी थिएटर्स में भी भोजपुरी फिल्म हमारी लगे सो हमने वो कवर किया हुआ है मैं ये देख रहा हूँ पिछले एक साल से एक सिंगल स्क्रीन पर लगती थी लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में देखा मैं पढ़ रहा था आप चर्चगेट से लेके विराट तक बहुत बड़ा नंबर है आगे रिलीज हो रही है कितनी मुसीबतें आई क्योंकि बहुत से लोगों को थिएटर तक नहीं मिलता है आपने कैसे पूरा मैनेज किया अगर आपने आपके अंदर इच्छा शक्ति और आपने सोच लिया कि आपको करना है तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होती है चीज़ें जैसे हमने सोच ली कि मुझे अच्छी चीज़ें करनी है और आगे बढ़ना है अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है तो वही मेहनत करके हमने की है इवन सॉरी मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि आप नॉर्मली नाज ग्रांट रोड पर फिल्म देखते थे सुपर सिनेमा में तो आप प्लीज़ वहाँ जाइए बट निषाद थिएटर है जहाँ हिंदी फिल्में लगती थी आपकी फिल्म वहाँ लगी है आपके प्यारे खेसारी जी की फिल्म हमारी रंगे बसंती आपकी भोजपुरी की फिल्म आप निषाद सिनेमा में फिल्म देखिए और यहाँ से लेके आप मुंबई के किसी भी कोने में चले जाएंगे आपको फिल्म दिखेगी आप कांदीवली जाएं बोरीवली जाएं मालाड चले जाएं आप उसके आगे नाला सुपारा चले जाएं विरार चले जाएं आपको हर स्टेशन पे एक थिएटर मिलेगा जहाँ आप फिल्म आपका फिल्म अवेलेबल है और आप फिल्म देखिए रोशन सर आप फिल्म तो अब हो गई है रिलीज हो रही है लेकिन फिल्म की जो कहानी है वो एक ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ती है जहाँ से लगता है कि इसका पार्ट टू हो सकता है क्या इसीलिए जानबूझ के कहानी छोड़ी गई है अभी तक हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है पार्ट टू बनाने की बट डेफिनेटली अगर लगेगा आगे इन फ्यूचर हमें लगता है कि हमें बनाना चाहिए तो डेफिनेटली प्लान करेंगे जी रोशन सर खेसारी लाल यादव ने कितना सपोर्ट किया आपको इस फिल्म को शूट करने के लिए क्योंकि बड़ी आउट कंडीशंस में ऐसी सिचुएशन या ठंड बहुत ज़्यादा है और ऐसे ऐसे गेटअप जिसको तैयार होने में बड़ा वक्त लगता रहा होगा क्या वो पूरी तरह से आपके साथ कोऑपरेटिव थे आनंद आपने फिल्म देखी होगी किसी भी आर्टिस्ट के चेहरे पर आपको यही नहीं दिखा होगा कि उनको कहीं से भी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था हर आदमी ने इवन लोअर स्टाफ से लेकर अपर जितने लोग थे हमारे टीम में मेंबर्स थे सभी ने अपना 100% दिया है चाहे वो कश्मीर में शूटिंग हो रही हो ठंड में या यूपी में हम लोग काफ़ी गर्मी थी 40-45 degrees जब लास्ट टाइम हम लोग शूट कर रहे थे सो इवन स्पॉट से लेकर हमारे स्टाफ ने सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया और अच्छी मेहनत की है सभी मैडम से जानना चाहूँगा शुरू से लेकर लास्ट तक आज मैं प्रीमियर देख रहा हूँ बहुत बड़ी फिल्म है मैं सॉरी रोकूंगा बीच में इसमें पूरा सपोर्ट इनका रहा है मेरे साथ मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ थोड़ी सी सोचती हैं लेकिन चूंकि मैं कर रहा होता हूँ उन्होंने मुझे छूट दे रखी है नॉर्मली लोग सोचते हैं कि यार मेरा क्या होगा पता नहीं हम इतने रुपए लगा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं बट चूंकि जो मेरा एम्बिशन है मैं अपने इंडस्ट्री भोजपुरी के लिए जो मैं करना चाहता हूँ वो जब इन्होंने मेरे अंदर देखा है तो वो चाहती है कि नहीं ये करे जो कर रहा है करने दो
मैं रोक नहीं रही, जाओ करो। शर्मिला जी, आपने एक छोटा सा किरदार भी किया है, मैंने फिल्म में देखा, बड़ा प्यारा सा छोटा सा किरदार किया हुआ, कैसे वो कहानी मतलब बन पाई, कई सिचुएशन की आपको करना है, बेसिकली आप करती नहीं है? मैं करती नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगता है करना। और डायरेक्टर सर ने बोला कि मैम आप ये करिए, अच्छा किरदार है तो आप करिए, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने बोला चलिए मैं करती हूँ फिर। जी रोशन जी, सिंगर बॉलीवुड का बड़े सिंगर कैलाश खेर साहब, मेहंदी साहब, एक्ट्रेस बॉलीवुड की, दूसरी एक्ट्रेस वो भी बड़े टेलीविजन की, कई सारे कलाकार हिंदी के, तो हिंदी फिल्म बना रहे थे, बनाते बनाते भोजपुरी बन गए? नहीं, मैंने क्या बोला आपको कि हम लोगों को बताना चाह रहे थे कि हमारा लुक ये है, हमारी फिल्म ऐसी बन सकती है। सो हमने दलेर पाजी से बोला, उन्होंने हमारे लिए हमें सपोर्ट किया, कैलाश खेर जी ने सपोर्ट किया, इवन ऋचा शर्मा जी हैं, ऋचा शर्मा जी का आपने गाना सुना होगा, उन्होंने भी गाया है। इसके बाद हमने ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स में जो काम होता है फिल्म के अंदर, हमने कोशिश की, लेट्स जनता कैसा रिप्लाई देती है इस पर। लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप फिल्म जाइए देखिए, आप प्राउड फील करेंगे अपने आप पे, अपनी भोजपुरी पे, और आप लोगों को बोल पाएंगे कि हाँ हमारी भी फिल्में ऐसे बनती है, तो प्लीज़ आप जाइए फिल्म देखिए और इंजॉय कीजिए। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बोलूँ, हर आदमी, हर जितने लोग आए थे इंडस्ट्री से या जो भी उनके गेस्ट थे, जिन्होंने भी देखा, उन लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया फिल्म को। बट यही देखूंगा कि वो कितना इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए पब्लिक में यह मैसेज किस वे में पास कर हम करते हैं। मैंने एक्चुअली फिल्म इसके लिए प्रीव्यू रखा था, मैं ये कभी नहीं कोशिश करता हूँ, आप लोग चूँकि लास्ट फिल्म में भी थे हमारे, उससे पहले भी फिल्म जो हमने प्रीमियर किया था PVR में ही किया था, लगातार करता रहता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि लोगों तक मैसेज आए। मैं देखता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जो यूनाइट होकर आई थी यहाँ पर, वो उस चीज़ को किस वे में लेके चलती है और किस वे में उसको फ्लड करती है, मेरा रीजन ये है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू आनंद जी, फिल्म बहुत अच्छी लगी है, और मैं तो दूसरी तीसरी बार फिल्म देखा, तो रियली फिल्म बहुत अच्छी बनी है, परमांशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद के पात्र हमारे SR किन्नु जी, रोशन जी और शर्मिला जी, इतना बड़ा मतलब 250 थिएटर में रिलीज हो रही है, सिनेमा बहुत अच्छी है, तो मैं ऑडियंस से अपने बिहार UP जहाँ भी हमारी जो ऑडियंस है भोजपुरी से जो विमुख हो रही थी, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ आइए और सिनेमा को प्यार दीजिए, एक बहुत अच्छी सिनेमा बनी है, बहुत दिन बाद एक अच्छी सिनेमा आ रही है, रंग दे बसंती 7 तारीख को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग थिएटर तक आए और रंग दे बसंती को अपना प्यार और आशीर्वाद दें। थैंक यू, धन्यवाद। आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल किया है फिल्म में, मैंने देखा रंग दे बसंती में, मलिक आज यहाँ पे प्रीमियर रखा गया था, कैसा लगा आपको पूरी फिल्म में इतने सारे लोग आए, पूरी इंडस्ट्री इकट्ठा हो गई थी, आप लोगों को क्या आशीर्वाद देना चाहिए? दरअसल ये मेरा पहला इंटरेक्शन है भोजपुरी के साथ, ठीक है, इसके पहले मैंने कोई सिनेमा नहीं किया भोजपुरी का, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हुआ जब इस टीम के साथ मैंने काम किया, तो मुझे इतना मज़ा आया क्योंकि लग नहीं रहा था कि कोई भोजपुरी का सेटअप है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ सिनेमा के साथ, बहुत ही क्रिएटिवली बनाया गया है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कास्टिंग हो, एक एक एक्टर को बहुत चुन के कास्ट किया गया, इसकी वजह से ये सिनेमा बहुत बेहतर दिखती है पर्दे पर। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी दर्शक सिनेमा हॉल में जाएं, इस फिल्म को अपना प्यार दें और देखें। थैंक यू।